हेलो एवरीवन। सो बच्चों पार्टी, आप लोग सोच रहे थे इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको था कि हम क्लास 12th का एग्ज़ाम दे देंगे, हमें नीट और जेई देना नहीं, आराम से चिल करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं। CUT आप लोग को इतने दिन में पता ही चल चुका होगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली इन गवर्नमेंट। ओके, सो बहुत सारे इसको लेके डाउट्स हैं कि मैम सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। सो एक एक करके आपको हम पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें व्हाट इज़ CUT। एक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है जो आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करेगा। ओके, इसका सिलेबस जो है वो सिर्फ क्लास 12th की NCERT है, 11th नहीं है। टेंशन मत लो, रोना गाना कम करो। बट येस, क्लास 12th में टर्म वन भी और टर्म वन प्लस टर्म टू बेसिकली पूरा पूरा आपका आने वाला है, ठीक है। और NCERT आपके सिलेबस होने वाली है। स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए थोड़ी सी मुसीबत है, और यहीं पे हमारे CBSE स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि वो नॉर्मली क्लास 12th की NCERT पढ़े ही हैं। बट डोंट वरी। एंड क्या अब आता है कि क्या मैम अगर क्लास 12th के बाद हमें एंट्रेंस देना पड़ रहा है तो क्या क्लास 12th की मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होंगे जो CUT लेंगे, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी जैसे आपके DU, BHU है ना, CU, JNU, ये सारे आपके क्या कर सकते हैं, एक कट ऑफ सेट कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई 80% वाला जो बच्चा होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। उससे भी ले, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। उससे भी लेट्स से आई एम टेलिंग यू, एक बच्चा 40% पाया है और वो CUT में टॉप कर रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉलेज की जो थ्रेशोल्ड है वो है 70%, तो उस बच्चे का CUT मार्क्स कंसीडर भी नहीं होगा। सो क्लास 12th आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, एकदम मन लगा के, जी जान लगा के कीजिए। और बहुत हाई चांसेस है जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी CUT के मार्क्स और आपके क्लास 12th वाले इसको भी, आप क्लास 12th के मार्क्स भी कंसीडर करके ही आपकी जो कॉलेज होंगी, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आपकी एक लिस्ट देंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे, जैसे आपके पेंटिंग वगैरह हो गया, उसमें CUT होगा, साथ साथ में आपके प्रैक्टिकल या फिर इंटरव्यू कुछ होगा, उतनी क्लैरिटी अभी नहीं आई है, ठीक है। इसके फॉर्म बेटा फिल कर दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 42 जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो आपकी CUT लेंगी ही, जो हमारी स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास चॉइस है, ठीक है। और जितना हम किस कर पा रहे हैं बेटा, जितनी भी अच्छी या थोड़ी भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी होगी ना, बहुत बकवास एक होता है ना जिनमें फॉर्म फिल कर दो, कोई पढ़ने नहीं जाना है, शायद आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो बिना CUT के लेंगी, बाकी बहुत कम तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी होगी उनको होगा कि नहीं हम भी तो देखें भाई हमारे यहाँ पे बच्चा क्या आ रहा है। सो मेक श्योर कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, कैसे भी प्रिपरेशन हो डरो नहीं, ठीक है, फॉर्म ज़रूर फिल करो। और फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जा रहा है, इसका एग्ज़ाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा, आपका जून में ख़त्म है, आपके पास टाइम रहेगा प्रिपरेशन का, ठीक है। सो टेंशन मत लो, एक महीने में आपका कोर्स पूरा अच्छे से हो जाएगा। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि घर से टेस्ट दोगे, ठीक है, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, 3.5 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 शिफ्ट में होगा। अभी इसकी उतनी क्लैरिटी नहीं है क्या क्या चीज़ें हैं, आपको जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम देते जाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, तुक्का मारने का तो सोचना भी नहीं है ना, जय माता दी करके अगर लगाए और सोचे कि हम अच्छा पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। MCQ बेस्ड होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग कैसे होगी कोई आइडिया नहीं है, बट अगर NTA कंसिडर करा रहे हैं भाई तो तुम समझ ही लो, ये जो आपका एग्ज़ाम है NTA कंसिडर करा रहा है, जो आपका JEE और NEET कंसिडर कराता है, तो सोच ही लो बेटा तुम्हारी मतलब कितनी तुम्हारी बैंड बजाने वाला है। तो इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके क्या है, 13 languages के आपके ऑप्शन है, ठीक है, 27 आपके मेन कोर्सेज के डोमेन है। ये सारी चीज़ें खैर अभी आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप फॉर्म फिल करते हुए चूज़ कर सकते हैं, हाँ हमें ये इसमें से परस्यू करना है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स बाद में, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फीस लगेगी। तो अभी के लिए आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हाँ भाई आपको किससे 12th करना है, आपको किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट करना है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, ये तो आपको पता ही है। तो वो चीज़ आप ख्याल रखो, उसकी क्लैरिटी बनाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो। एंड ये देखो कुछ कुछ आपकी फ़ीस आई है, फ़ीस की डिटेल्स है, और ये पता है बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। क्योंकि होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम फिल करने में हम लोग के टाइम पे 12th के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फॉर्म फिल करने होते थे, कुछ जो 12th के बेसिस पे लेते थे, कुछ एंट्रेंस अपना अपना लेते थे, अलग अलग फिल करने में ना बहुत बैंड बजती थी, पता चलता था इसका फॉर्म आके निकल गया, इसका आके निकल गया। सो उतना नहीं है, तुम्हें एक बार फ़ीस फिल करना है, एटलीस्ट CUT दो, फिर आपको कॉलेज वाइज देखना तो पड़ेगा ही वो तो। बट डोंट वरी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर जो भी डिटेल्स आती जाएंगी, अभी सिलेबस का उतना अपडेट नहीं है, लेकिन क्लास 12 के NCERT तो तुम समझ ही लो क्या है, ठीक है। सो फॉर्म फिल करो, बाकी अभी अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, जैसे भी अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको देते जाएंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू।